Good morning, everyone. Continuing with our topic on the basis of number of products. On the basis of number of products, हम ब्रांड को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. पहला है फैमिली ब्रांड, इसे हम अम्ब्रेला ब्रांड भी कहते हैं, जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है वो सिंगल ब्रांड यूज कर रहा है अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए सभी मार्केट सेगमेंट्स में, तो उसे हम फैमिली ब्रांड कहते हैं. और इस टाइप की जो ब्रांडिंग होती है जो एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूज करते हैं अपनी सभी प्रोडक्ट लाइन्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अमूल जो है वो बटर के लिए, चीज, घी, मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट सभी के लिए जो है अमूल का जो ब्रांड है वही यूज करता है. सेम तरीके से मैगी जो ब्रांड है वो नूडल, सूप, सोप एक्सेट्रा सब चीज़ों के लिए यूज हो रहा है. देन पॉन्ड्स है, सोप, क्रीम पाउडर, डिओड्रेंट्स, मॉइस्चराइजर एक्सेट्रा सब के लिए यूज होता है. देन नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ब्रांड, जब जो मैन्युफैक्चरर है वो सेपरेट ब्रांड नेम यूज कर रहा है अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसे हम इंडिविजुअल ब्रांड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है वो बहुत सारे ब्रांड्स यूज करता है. हर एक टॉयलेट सोप जो है उसका, उसके लिए उसने अलग ब्रांड लिया हुआ है, जैसे लाइक बॉय हो गया, लक्स, जय, रिक्सोना, हमाम एसेक्ट्रा. देन नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट लाइन ब्रांड, जब एक जो बिजनेस हाउस है वो डिफरेंट ब्रांड्स यूज कर रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के लिए, तो उसे प्रोडक्ट लाइन ब्रांड कहते हैं. यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज जो ब्रांड होगा फॉर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन वो सेम है. प्रोडक्ट लाइन के लिए सेम है लेकिन हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए डिफरेंट ब्रांड है. फॉर एग्जाम्पल, जो DCM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है वो रथ का जो ब्रांड है वो यूज करती है वनस्पति घी के लिए. DCM ब्रांड वो यूज करती है टेक्सटाइल्स के लिए. उषा लक्सेस वो यूज करती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए. श्री राम का ब्रांड वो यूज करती है फर्टिलाइजर्स के लिए. देन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज, इसे हम क्लासीफाई करते हैं थ्री पार्ट्स में. पहला है फाइटिंग ब्रांड, जब बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन है मार्केट में और जो मैन्युफैक्चरर है उस टाइम पे वो इंट्रोड्यूस करता है एक लो प्राइज्ड प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिशन से फाइट करने के लिए, तो जो ब्रांड नेम वो उस प्रोडक्ट को देता है उसे हम फाइटिंग ब्रांड कहते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इंट्रोड्यूस जो किया गया है वो कंपटीशन को बीट करने के लिए किया गया है, तो इसीलिए उसे हम फाइटिंग ब्रांड का नाम दे रहे हैं. और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं विद फाइटिंग ब्रांड्स वो जनरली मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस जिस प्रोडक्ट के लिए करते हैं वो कौन से हो सकते हैं, सिगरेट्स, डिटर्जेंट, सोप, शैम्पूज, शूज, रेडीमेड शर्ट, जीन्स एसेट्रा. देन कॉम्पिटिटिव ब्रांड, जहाँ पर जो डिफरेंस है प्रोडक्ट्स में डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के, वो अवेलेबल जो मार्केट में है प्रोडक्ट्स उनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जो ब्रांड नेम है उसी से आप कंपीट करते हो उस केस में, तो उन प्रोडक्ट्स को जो आप नाम देते हो उन्हें हम कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोको कोला एंड कैंपा कोला, देव दर्शन एंड देवी दर्शन धूप, प्रिया एंड सुप्रिया बिस्किट्स एसेट्रा. देन नेक्स्ट इज मल्टीपल ब्रांड, जब जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट जो अपील करता है बेसिकली सेम कस्टमर को लेकिन अंडर डिफरेंट ब्रांड्स, तो उसे हम मल्टीपल ब्रांडिंग कहते हैं. और ये जो पॉलिसीज हैं, जब दो कंपनीज मर्ज हो गई हैं तब मल्टीपल ब्रांड्स को यूज किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट हैं दोनों के मर्जिंग कंपनीज के, जब वो मर्ज हो गई है उसके बाद हो सकता है वो फिजिकली आइडेंटिकल हो लेकिन ऑफर आप उसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के अंडर करते हो. फॉर एग्जांपल, हमाम एंड रिक्सोना, सिमिलरली जो कोको कोला ब्रांड है उसी के अंडर जो फेंटा, लिम्का एक्सेट्रा है ब्रांड्स, सेम जो उनकी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, सेम है और वही जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर सेल कर रहे हैं. Then next is your factors affecting the selection of a good brand. Right brand name को select करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि customer को याद भी रहना चाहिए, उसे compete भी करना है product के साथ, attractive भी होना चाहिए, तो brand जो है एक तरीके से managerial function है जिसे आपको अच्छे से manage करना पड़ेगा. और इसमें बहुत सारी activities include होती है ब्रांडिंग में,
जैसे कि हमने बात की थी कि जो ब्रांडिंग है वो एक प्रोसेस है, जहां पर आप ब्रांड नेम दे रहे हो एक प्रोडक्ट को, डिजाइन कर रहे हो, ब्रांड मार्क एस्टैब्लिश कर रहे हो, उसे पॉपुलराइज कर रहे हो। तो जब आप एक अच्छा ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हो तो वेरियस जो कंसिडरेशंस हैं आपको देखनी पड़ती हैं, और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला कि जो ब्रांड नेम है वो सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ताकि इजीली कस्टमर उसको याद रख सके, उसकी आईज, ईयर्स और ब्रेन को वो अपीलिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टाटा, बाटा, डालडा, निर्मा। देन नेक्स्ट इज योर इजी प्रोनाउंसिएशन। जो ब्रांड नेम है उसको इजीली छोटे बच्चे, बड़े और जो बूढ़े हैं, सब उसको इजीली प्रोनाउंस कर सके डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तभी जो कस्टमर है जाके शॉप के ऊपर उसका नाम बोल पाएगा। देन नेक्स्ट इज योर रिकॉग्नाइजेबल। जो ब्रांड नेम है वो दूसरे ब्रांड नेम से अलग होना चाहिए, ताकि कोई भी इजीली उसे आपके ब्रांड नेम को कॉपी ना कर पाए, और ओरिजिनल होना चाहिए और अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गोदरेज, लिबर्टी। देन नेक्स्ट इज सजेस्टिव। जो ब्रांड नेम है, जो भी प्रोडक्ट के फंक्शंस हैं, बेनिफिट्स हैं, स्पेशल क्वालिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि उसके ब्रांड नेम से ही पता चल जाए कि प्रोडक्ट किस चीज के रिगार्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, नीम सोप, धारा, फ्रूटी एक्सेट्रा। देन इकोनॉमिकली, जो ब्रांड है वो एबल होना चाहिए कि आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाओ। जो अच्छा ब्रांड नेम होता है, जब आप उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें जो खर्चा है वो कम आना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसके ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए ऑन प्रिंटिंग, राइटिंग या उसी चीज़ को एडवर्टाइज करने में। तो सर्टेन नेम्स हैं जो इजीली डिज़ाइन और ग्राफ आप कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, उस तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, निर्मा, मैगी, सर्फ, रिन एक्सेट्रा। देन इज लीगली प्रोटेक्टेबल। जो ब्रांड है, अगर आप उसे इजीली रजिस्टर करवा सकते हो अंडर द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958, तो वो मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे जो आपका सेक्शन 11 एंड 12 है ट्रेड और मर्चेंडाइज एक्ट 1958 का, उसके अंडर कुछ सर्टेन कंडीशंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रांड नेम होना चाहिए। आप किसी भी नेम को सेलेक्ट करके उसे रजिस्टर नहीं करवा सकते एज अ ट्रेडमार्क। तो जो नेम है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है उससे क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप क्या ब्रांड नेम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज योर हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग। जो नेम है, मार्क है एक ब्रांड का, उसे स्किलफुली सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि आपको इजी हो एडवर्टाइजिंग करने में, एडवर्टाइजमेंट बनाने में। देन नेक्स्ट इज योर फार फ्रॉम ऑब्सीन। किसी भी टाइप की वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए ब्रांड में, नहीं तो जो आपके इमोशंस हैं इंडिविजुअल, ग्रुप और रिलीजन के, वो हर्ट होंगे और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स जो है वो इफेक्ट हो सकती है। देन नेक्स्ट इज हार्ट टचिंग। जो नेम है ब्रांड का, उसका मार्क जो है, पिक्चर है, वो इस नेचर का होना चाहिए ताकि जो पर्सन उसको देख रहा है उसके माइंड और हार्ट में वो चीज़ छप जाए, उसको वो इम्प्रेस करे। देन नेक्स्ट इज सुटेबल टू बायर्स। जो ब्रांड नेम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि बायर को सूट करे। जैसे जो विमेन कंज्यूमर्स है अगर आपके प्रोडक्ट के, तो नेम जो ब्रांड का रखोगे वो फेमिनिन नेम होना चाहिए। जैसे लैक्मे यूज हो रहा है कॉस्मेटिक्स के लिए, या लेडी बर्ड यूज कर रहे हो आप साइकिल के लिए, तो ये सारे जो फीचर्स है वो एक ब्रांड के अंदर होने चाहिए। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। आपको अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देना है या नहीं देना है, ये डिसाइड करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ता है। जैसे नेचर क्या है प्रोडक्ट का, टाइप ऑफ आउटलेट्स क्या हैं प्रोडक्ट के लिए, परसीव्ड एडवांटेजेस क्या हैं आफ्टर ब्रांडिंग, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी टू डेवलप द ब्रांड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बहुत साल पहले अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट्स थे वो अनब्रांडेड थे, लेकिन वो फिर भी सेल हो रहे थे। लेकिन क्योंकि ब्रांडिंग के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर के लिए, तो मोस्टली जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं एट प्रेजेंट आप ब्रांड्स में पाते हैं।
जैसे अगर हम देखें जो भी बॉडी केयर प्रोडक्ट्स थे, या आपका राइस है या फ्लावर है, ये पहले ब्रांड्स में नहीं बिकते थे, अब ये जो है ब्रांड्स में बिकते हैं। पतंजलि का है या आशीर्वाद है, अब आपको आशीर्वाद राइस मिलेगा, इंडिया गेट राइस मिलेगा। तो ये ब्रांड्स अब इन प्रोडक्ट्स के लिए भी बन गए हैं जो पहले तक अनब्रांडेड तरीके से बिकते थे। तो हर एक जो मैन्युफैक्चरर है अब वो किसी ना किसी नेम के अंडर, ब्रांड नेम के अंडर अपने सारे प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक ब्रांडिंग पॉलिसी जो है, स्ट्रैटेजी जो है, वो आपको बना लेनी चाहिए। तो हमारे पास तीन टाइप्स की ब्रांडिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है जो मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करते हैं, दूसरा जो मिडल मैन अडॉप्ट करेंगे, और जो तीसरा जो अदर ब्रांडिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज जो मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो देख रहे हैं दैट इज मार्केटिंग अंडर मैन्युफैक्चरर्स ओन ब्रांड। जो फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर के पास वो ये कि वो अपने खुद के नेम के अंडर जो प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर करे, और इस पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को अपने खुद के ब्रांड नेम के अंडर सेल करता है। जो ब्रांड है उसे ओन और रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क मैन्युफैक्चरर ही करवाता है। और इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं, जैसे गोदरेज है आपका और मारुति है आपका, फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स है आपका। फिलिप्स जो है वो ब्रांड नेम सभी अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज करता है, चाहे वो टेलीविजन है, टू इन वन है, ट्रांजिस्टर है, ट्यूबलाइट है। और जो मैन्युफैक्चरर है जब वो ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है तो वो इंडिविजुअल ब्रांड, फैमिली ब्रांड, रीजनल ब्रांड, नेशनल ब्रांड, एडवर्टाइजिंग ब्रांड, मल्टीपल ब्रांड, किसी भी तरीके का जो नेम है वो उसके लिए रख सकता है। इन क्रक्स अगर हम कहें कि ये वो ब्रांड्स हैं जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने खुद के अंडर जो ब्रांड नेम है उसे यूज कर रहा है, मतलब जो उसने खुद क्रिएट किया है और रजिस्टर करवाया है उसे वो यूज कर रहा है। इस टाइप के जो ब्रांड पॉलिसी और स्ट्रैटेजी है उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी गुडविल इंक्रीज होती है, वो अपने प्राइजेस जो हैं प्रोडक्ट्स के उनको स्टेबिलिटी उसमें रख सकता है। ये हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, हेल्प करता है इन अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोडक्ट मिक्स, फैसिलिटेट कर सकता है कि आप एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, हेल्प करता है कंज्यूमर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए प्रोडक्ट्स को। और डिसएडवांटेजेस जो इस ब्रांड स्ट्रैटेजी के हैं वो ये कि जो मिडल मैन है उनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी अगर वो मैन्युफैक्चरर का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो सोल्ड करते हैं। देन नेक्स्ट इज मार्केटिंग अंडर इंडिविजुअल ब्रांड। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।